हेलो एवरीवन लॉन्ग टाइम नो सी आफ्टर नाबार्ड फेज टू एग्जाम लास्ट टाइम वी मेट फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द डिटेल एनालिसिस ऑफ नाबार्ड एग्जाम आफ्टर डूइंग द डिटेल्ड एनालिसिस आई एम प्रीटी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी रिलैक्सिंग क्योंकि नाबार्ड फेज टू एग्जाम दे दिया है अब बस रिजल्ट का वेट करना है इसलिए हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे हम एंजॉय कर रहे होंगे और हमारा रिलैक्सेशन पीरियड चालू हो चुका होगा एम आई राइट बट लेट मी गिव यू एन रियलिटी चेक लेट मी जस्ट शेक यू आउट ऑफ योर प्लेजर्स एज वेल एज योर टाइम वेस्टिंग एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इट्स बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस टाइम ऑफ यूर्स इज वेरी वेरी क्रूशियल वी ऑल नो दैट वेल बिगिनिंग इज हाफ डन राइट फ्रॉम फेज वन क्लियरिंग फेज वन कमिंग टू फेज टू एंड नाउ

कर, to now, कि फेस टू का एग्जाम देकर हमने फेस टू का एनालिसिस भी किया है टाइम टू कंपेयर यूर एनालिसिस एंड यूर परफॉर्मेंस विद द प्रेडिक्टेड कट ऑफ एंड दिस बिंग्स अस टू डिस्कशन अबाउट नाबार्ड फेस कट ऑफ ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी प्रडिक्शन मतलब हम कोई भी रैंडम फिगर नहीं देने वाले हैं राइट वी आर गोइंग वी हैव डन अ डीप एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस द ट्रेंड्स And here we will give you a certain range of marks, which could be the cutoff for the phase two exam. Based on that cutoff, what you will do, you will either decide that what your performance is, and based on that performance, you are going to decide that should you start your interview preparation or not. Okay? So, with that, without wasting your time, as we all know, that interview also is very, very important. and. It defines that that, your your name and your performance in overall NABARD NABARD exam would be okay. So with that, let's start our discussion on the cut off prediction of NABAD Phase तो ये जान लेते कि वु नाबार्ड का रोना धोना क्या स्टार्ट होती है फेज वन से हम फेज वन देते फिर हम फेज वन के रिजल्ट के लिए वेट करते हैं उधर टाइम वेस्ट फिर फेज टू देते हैं फिर हमें लगता है हमारी छाती छाती चौड़ी हो जाती है हमें लगता है यार फेज टू कर लिया मैं तो इस बार इस एग्जाम को क्लियर कर ही लूंगा ठीक है फिर हम फेज टू के रिजल्ट के लिए वेट करते हैं उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिर हम इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करते तब हमें वक्त भी नहीं मिलता है टू टू एनालाइज ओन सेल्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट टू वर्क ऑन अवर वीकनेसेस राइट इन चीजों का हमें टाइम मिलता नहीं है एंड आफ्टर द फाइनल रिजल्ट वी अंडरस्टैंड ओ माई गॉड आफ्टर दिस मच हार्ड वर्क स्टिल माई नेम इज नॉट देर इन फाइनल लिस्ट

रिजल्ट के बाद आपकी यही रोने वाली शक्लें होने वाली है ठीक है सो कट ऑफ का रोने दोने से बचना है तो हमें यह याद रखना होगा कि इट्स वेरी हाई टाइम को एंड really of जब आप अपना परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे आपको पता लग जाएगा मैं इस पानी में खरा उतरा लाइक विल आई हैव माई नेम इन दी फेज टू रिजल्ट एंड इफ ये यू फील कि आप सही में इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट टूडेल इंटरव्यू प्रिपेरेशन ओके सो अब कट ऑफ का इंपॉर्टेंस देखो सिंपल सा एग्जाम लेते हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं सी इनिशियली तो इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है इंडियन टीम वॉज प्लेयरिंग रियली वेरी वेरी ब्रिलियंट इन द इनिशियल स्टेजेस बट कंसिडर दैट द नॉकआउट स्टेजेस वॉर द ट्वेंटी फाइनल्स और सेमीफाइनल इंग्लैंड राइट सो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए और जब कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो क्या हमें फुर्सत में निकलना पड़ा कैंडिडेट इवन इफ दे गिव द फेस टू एग्जाम ऑल दीज कैंडिडेट्स फील की फेस टू एग्जाम देने के बाद मेरा नाम तो लिस्ट में आ ही जाएगा बट दर्श रियालिटी इज दैट मेजर चंक ऑफ कैंडिडेट्स ऑल्सो गेट इलिमिनेटेड हिस्सा So, please don't waste your time and let's just without wasting any time, as cutoff is that important, let's start our cutoff analysis. Now, let me also introduce you to a great opportunity and avenue for you. After this cutoff discussion, you will get what the cutoff range would be. You try to analyze and relate your performance, your marks with that cutoff, and you can enroll to our interview program, which is

वी कैन एंटिसिपेट एंड बेस्ड ऑन दी प्रीवियस पेपर्स एंड प्रीवियस इन कट ऑफ की इस साल का कट ऑफ की रेंज क्या हो सकती है सो वी आर नॉट गिविंग यू एन एब्रफ फिगर बट बटर वी आर गिविंग यूर रेंज दिस रेंज विल हेल्प यू टू कंपेयर यूर परफॉर्मेंस और टू ईदर अंडरस्टैंड दट आर यू गोइंग टू क्लियर द फेस टू एग्जाम और नॉट ओके सो धिस इज आर एनालिसिस लेट सी वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर और हु हैव गिवन फेस टू एग्जाम सबको पैटर्न तो पता ही होगा सो इफ यू सी 2019 2020 2021 एंड 2022 रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स हैव बीन गिवन दिस आर द प्रेडिक्टेड कट ऑफ्स बट आई विल कमिट टू लेटर हियर फॉर ईच सेक्शन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऑल द कट ऑफ्स हैव बीन गिवन 2019 टू 2020 व्हेन यू कंपेयर

So now if we want to predict or maybe anticipate the range of the cutoff, we definitely have to see what was the difficulty of the paper as compared to 2021 because here itself the descriptive part was asked. Sorry, and in 2022 also the descriptive part was asked. So let's just first compare now. So comparing the pH to total paper, if you take the three sections: English, ESI, and ARD Descriptive, and ESI and ARD Objective. So when you take the example, uh, take the section of English, the English paper of 2021 and 2022 was really very, very similar. It was more or less similar. Direct questions were there, right? Many of the candidates choose different, different topics, and it all boils down to your answer writing skill. Okay? There was no essay topic, which was very, very difficult and which candidates could not attempt, right?

Was little bit difficult, but the level of 2021 and 2022 descriptive ESI and ARD is moderate and not difficult. So here also you could see so the descriptive part of 2021 was little bit difficult. If you see the objective part, here the change is that the objective part of 2022 is difficult. Now, why it is difficult than 2021? It's because in 2022. The ESI and ARD objective questions which were there, many of the paragraphs, such as cage system paragraph, paragraph on poultry, paragraph on swines, paragraph on agricultural growth and enam, such questions were asked which were really very difficult, and candidates struggled to answer these questions. Considering this and applying it here, we could say that definitely the objective part of Dabar phase 2 2022 was difficult, little bit difficult than 2021 but when you see overall phase 2 exam then what i would say and what our analysis says is that when you compare the phase 2 exam of 2022 with 2021 it was more or less similar and the difficulty level was moderate and therefore here we have decided the cutoff year could be 114 to 118 okay 114 to 118

ओके okay? अब हमें टोटल कट ऑफ तो मिल गया कितना था राइट द वैल्यू इज हंड्रेड एंड फोर्टीन टू हंड्रेड एंड एटीन दैट्स ना इट्सो इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट सेक्शनल कट ऑफ राइट सो थ्री सेक्शन भी ऑलरेडी डिस्कस जस्ट नाउ इंग्लिश ई एस आई ए आर डी डिस्क्रिप्टिव ई एस आई एआरडी ऑब्जेक्टिव डिफिकल्टी भी हमने जानी थी इंग्लिश की वेरी वेरी सिमिलर थी डिस्क्रिप्टिव पार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का वॉज Easier. It's because compulsory question Masy Sampada Yojana was asked. So it was directly related to scheme. There were other questions also which were very, very easy, and candidates could attempt that with ease. So therefore, here the cutoff, if you see the cutoff could be 22 to 25. Okay. So last year's cutoff was 21.25 because the difficulty of the descriptive part was high because of the cross-breeding question. That question came out of the blue, and therefore candidates struggled there. But this year in 2022. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आउट ऑफ ब्लू स्टैटिक पार्ट से एनिमल हस्बेंडरी या फिर एआरडी सेक्शन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया ऑल क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते so, इसका हमने 22 25 है ऑब्जेक्टिव पार्ट का देखने जाए तो मैंने पहले ही कहा था ऑब्जेक्टिव पार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का इज डिफिकल्ट लिटिल बिट बिकॉज मेनी स्कीम्स राइट सो इसलिए इसका कट ऑफ हमने रखा है 17

Uh, marks which are close to the range of the sectional cutoffs then make a total of your marks okay and then compare it with the total cutoff which we said 114 to 118 now as the cutoff discussion is over we have to ask the question to ourselves ki agar total and if i am comparing and analyzing it along with the cutoff which we have predicted or maybe anticipated that is 114 to 118 सो एम आई रेडी फॉर धीस इंटरव्यू एम आई रेडी फॉर द इंटरव्यू इफ माई नेम कम इन टू द रिजल्ट टूमारो बेस्ड ऑन धिस कट ऑफ कंपेरिजन देन एम आई रेडी फॉर द इंटरव्यू दैट इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्ट एंड दैट इज वाई वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया दैट दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर यू इंटरव्यू प्रिपेरेशन आपका स्टार्ट होना चाहिए अभी यू शुड बी वेस्टिंग टाइम फॉर द रिजल्ट ओके नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एज नाव यू आर हैविंग कट ऑफ मार्क्स विथ यू It is your responsibility to get enrolled in the course. Try to understand this is a great opportunity. There is no fee, okay? But the quality of this program is such that you could see the RBI results, okay? So, this interview program is definitely waiting for you, and you are also waiting for this interview program. So, make use of this great avenue and opportunity. The cutoff analysis has been done. The range of 114 to 118, which we discussed, is along with you. See your performance compare and please enroll as fast as possible. the description of the enrollment program has been given uh, uh, in, the, uh, in the video below. at the same time, you can also visit the website and you can join the and get enrolled in the nabat grade A mock interview. so with this, uh, we will end the cutoff uh, prediction. i hope in this short video you understood that what was the immense importance of uh, predicting or anticipating this cutoff. Uh, and please utilize this. Uh, thank you and see you again.